मार्कर क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर फाइव सिक्स ना सिक्स पार्ट फाइव पार्ट फाइव पढ़ना है। इसके पहले हमने पार्ट फोर तक स्टडी की है और पार्ट फोर में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि कोई भी क्राफ्ट पर्सन जो होते हैं हमारे ठीक है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है दूसरी चीज ये कि हम्पी जो हमारा शहर था हम्पी सूरत और क्या था मसूली पटना ठीक है इन तीनों शहरों में क्या क्या इंपॉर्टेंस थी इन शहरों की। ठीक है और उस टाइम पे ये तीनों शहर किस चीज के लिए फेमस थे पढ़ा था। ठीक है तो बेसिकली हमने ये बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डांसेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कल्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों की बिल्डिंग की वजह से ये तीनों शहर फेमस थे। ठीक है इन शहरों को उस टाइम का सबसे अच्छा ट्रेड सेंटर माना गया था और इस टाइम पे यहाँ पे ट्रेड सबसे ऊपरी हिस्से में होता था और सबसे ज्यादा ट्रेड इसी एरिया से होता था। समझ में आया। और दूसरी चीज ये कि सूरत जो हमारा शहर था सूरत गुजरात का उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन हुआ करता था। ठीक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट टाउन श्रीनाथ शुक्ला पोर्ट टाउन क्या होता है। राजवीर शुक्ला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट टाउन दिव्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट टाउन पीछे पोर्ट टाउन क्या होता है पायल क्या होता है पोर्ट टाउन सर पोर्ट टाउन मींस कि ऐसा टाउन जहां से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है अ प्लेस वेयर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड इज डन इज नोन एज अ पोर्ट टाउन एक ऐसी जगह जहां से अपने देश में कोई सामान आता है या हमारे देश का कोई सामान बाहर के देशों में जाता है ट्रेड के लिए उसको क्या कहते हैं पोर्ट टाउन। कितने टाइप के टाउन होते हैं बताओ चारों टाउन्स के नाम बताओ बताओ दिव्या सर टेंपल टाउन ठीक है दूसरा पूछा मैंने तुमसे कौन बोला है कॉमर्शियल टाउन तीसरा टेंपल टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन पोर्ट टाउन और कॉमर्शियल टाउन ये चार के बारे में पढ़ा था। यस सर क्यों भाई क्लास में नहीं थे तुम्हें से पूछ रहा हूँ राजवीर शुक्ला जी बैठो तुम्हें बैठो तुम भी बैठो नहीं तुम खड़ी रहो तुमने तो कुछ नहीं बताया खड़ी हो बताया क्यों नहीं जो पूछा वो क्यों नहीं बताया क्यों क्लास में नहीं थी या मैंने पढ़ाया नहीं नहीं पढ़ाया है पता नहीं पढ़ाया कि नहीं क्लास में पोर्ट क्या होता है क्लास में जब पूछता हूं कि समझ में आया कि नहीं आया तो इसका मतलब क्या होता है अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओगी ना तो क्लास में तुम लोग अपने आप को अंडरटेकर समझते हो सब कुछ आता है सर्व के आता हो तुम लोग है ना सब कुछ आता है तुम्हें क्लास टेस्ट में पता चल गया कितने पढ़ने में तेज हो चल गया ना बोलो बैठो तुम दोनों बैठो समझ में आया क्या होता है टाउन चार टाइप का टाउन समझ में आया yes, क्या क्या होता है पोर्ट टाउन टेंपल टाउन और सर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और कौन सा टाउन चार तो लिखा नहीं है टेंपल टाउन कमर्शियल टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और पोर्ट टाउन समझे पोर्ट टाउन क्या होता है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है किसी देश से सामान हमारे देश में आता है या हमारे देश का सामान बाहर जाता है समझ गए तुम्हें आया बैठो दोनों बैठो बैठ जाओ
ठीक है, तो इसके बारे में हमने अभी तक सबसे पहला पढ़ा था हम्पी के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी थी शायद सूरत वाला पढ़ लिया था हमने, सूरत नहीं पढ़ा था, ठीक है, सूरत तो पढ़ लिया था यार, पूरा नहीं कुछ कुछ पढ़ा था हमने, ओविंटन वाला हो गया था, इंग्लिश पोएट क्रॉनिकल ओविंटन, ठीक है। तो हमें तीसरा वाला पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ो जरा दिव्या पढ़ो। There were also several retail and wholesale shops selling cotton textile. The textile of Surat were famous for their gold lace bordered zari and had a market in West Asia, Africa and Europe. The shield built numerous rest horses to take care of the needs of people from all over world who come to the city. Stop. तो बेसिकली होता क्या था कि जो हमारा सूरत शहर था, ठीक है, वहां पे जब कॉटन टेक्सटाइल के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था। दूसरी चीज ये कि वो टेक्सटाइल्स में जो वो एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे या फिर जो भी जरी का या लेसेस का काम जो उसमें हम करते थे, ठीक है, जरी और लेसेस जो लगाते हैं वो एक पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? कढ़ाई, ठीक है, तो इस चीज का एक हिस्सा है, ठीक है, और इस कढ़ाई के लिए हमारा सूरत बहुत फेमस था, ठीक है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए रेस्ट हाउसेस बने हुए थे। रेस्ट हाउसेस का मतलब ये होता है कि जो हमारे गेस्ट हाउस होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के जो हमारे बनाए जाते हैं, लोगों के ठहरने की व्यवस्था बनाई जाती है या फिर धर्मशाला बनाई जाती है, ठीक है, तो वहां पे वो सारी चीजें बनाई गई थी ताकि जो भी लोग बाहर के देश से आते हैं या फिर बाहर के शहरों से आकर के यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग रुक करके यहाँ पे आसानी से अपना ट्रेड कंप्लीट कर सके। समझ में आया? यस सर। पीछे समझ में आ रहा है? आ रहा है सबसे पीछे? नहीं आ रहा है? मत आओ स्कूल, और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बस इतना बताया कि जो सूरत शहर है हमारा वो पुराने टाइम में अपने टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। टेक्सटाइल का मतलब ये होता है कपड़ों के लिए, ठीक है, कपड़ों की इंडस्ट्री वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से सेटअप थी और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के वहां पे कपड़े बनाए जाते थे और उन कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी की जाती थी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब ये है कि अलग अलग तरीकों के डिजाइनों को सुई और तागे का यूज करके वहां पे उस पे बनाते थे। समझ में आया? नो yes, सर no, आ गया? yes, चलो पढ़ो इसके आगे, पढ़ो पढ़ो भाई। क्वेश्चन है, हाँ पूछो सर। मतलब हर कपड़े पे ऐसा तो नहीं ना होता होगा? क्या कोई तो कपड़ा सिंपल रहता होगा? सिंपल रहता होगा मतलब ऐसा? देखो बेसिकली इसका मतलब ये है ना कि जो गुजरात में उस टाइम पे सूरत शहर में जो उस टाइम की एम्ब्रॉयडरी थी या फिर समझ लो जो जरी वगैरह का काम होता था, जो नग वगैरह लगा करके कपड़ों में लोग लगाते थे, डिजाइन बनाते थे, उन डिजाइन का सूरत के लोग बहुत अच्छे से यूज करते थे और लोग बहुत ज्यादा डिमांड भी करते थे कि हमें सूरत की एम्ब्रॉयडरी वाली चीजें चाहिए। कहते हैं ना कि हमें फिरोजाबाद की चूड़ियां चाहिए, क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ियां अच्छे से बनती हैं, ठीक है। तो जिस चीज, जो शहर जिस चीज के लिए फेमस हो जाता है, लोग यही सोचते हैं कि उस शहर का सामान हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां का वो चीज बेस्ट होता है, ठीक। समझ में आया? yes, कोई कितना भी अच्छा लिट्टी चोखा बना ले, बिहार से अच्छा कोई नहीं बना पाता है, ठीक है। तो बस लोग यही सोचते हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, यूपी का कुछ और फेमस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो लोग जो चीज बेस्ट होती है उस चीज के बारे में लोग सर्च करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए वो चीज फेमस हो जाती है। समझ में आया मैडम? पढ़ो जरा इसके आगे, पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, क्या हुआ क्वेश्चन है? There were magnificent buildings and rural pleasure parks. The Kathiawar states or Mahajans had huge banking houses at Surat. It is noteworthy that the Surat Hamis were honored in the far off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. तो देखो बेसिकली क्या है कि जो हमारे सूरत शहर में बहुत अच्छी अच्छी और बहुत अच्छे कलाकारियों से बहुत अच्छी चीजों का यूज करके बनाई हुई बिल्डिंग्स भी वहां पे थी, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि जो सूरत के काठियावाड़ी महाजन थे या सेठ लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि अपना ट्रेड पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे फैला चुके थे, ठीक है। काठियावाड़ी का मतलब ये होता है कि सूरत में एक जगह है जिसको काठियावाड़ कहते हैं, ठीक है। तो जो वहां के सेठ वगैरह थे वो लोग क्या करते थे कि अलग अलग देशों में अपने अलग अलग सामानों को लेकर के जाते थे और उस चीज का ट्रेड वहां पे सेटअप करते थे। समझ में आया? देखो ये पढ़ो, द काठियावाड़ सेठ्स और द महाजन्स मनी चेंजर्स। मनी चेंजर्स का मतलब ये होता है जो अपने देश की मनी को लेकर के उस देश का मनी प्रोवाइड करते हैं जो जहां पे रह रहे हैं। मान लो इंडिया में कोई बाहरी आया,
ठीक है, और उनके वहां डॉलर चल रहा है, इंडिया में आया तो उनको इंडिया में रुपया चाहिए खर्च करने के लिए, डॉलर तो यहाँ पे चलेगा नहीं, तो डॉलर को वो पैसे में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, तो वही होता है मनी चेंजर। ठीक, तो मनी चेंजर्स जो थे वो लोग अलग अलग जगहों पे वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को सेटअप कर चुके थे। हाँ बताइए, डॉलर को रुपीज में उन्होंने मान लो 70 रुपए का डॉलर होता है, ठीक है, नॉर्मली मान के चलते आज के डेट के हिसाब से, ठीक है, उन्होंने $1 दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ का 70 रुपया लेके गए। फिर जब ये मनी लेंडर्स दूसरी जगह पे जाते थे तो वहाँ उस डॉलर को जो है चेंज करा लेते थे। समझ में आ गया? तो सर एक ही जगह चेंज होती थी, बार बार हर जगह पे तो नहीं ना चेंज होता था? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पे ये सारे लोग बैठे होते थे, मनी चेंजर्स जो थे हमारे। देखो यहाँ लिखा है महाजन, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो सब लोग जानते थे, जो बाहर से लोग आते थे वो लोग ये चीज जानते थे कि हम लोग यहाँ जाएंगे तो हम अपनी मनी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर डॉलर है तो हम उसको रुपयों में चेंज करा सकते हैं। समझ में आया? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर 1,000, 2,000 का, 500 का चेंज चाहिए होती है तो हम उसके पास जाते हैं जिसके पास छोटे छोटे नोट्स होते हैं, होता है ना, तो जाते हैं तो पता होता है ना कि ये दुकान बड़ी है यहाँ पे मिल जाएगा 500-2,000 का चेंज, या यहाँ नहीं मिला तो पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा। तो वैसे ही इन लोगों ने भी अलग अलग जगहों पे सेंटर्स बना रखे थे जहाँ पे पैसे को लोग बदलते थे। समझ में आया? कोई परेशानी है किसी को? चलो बैठो, रुक जाओ। मनी चेंजर्स एंड हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। इट इज नोटवर्दी दैट द सूरत हुंडीज वर हॉनर्ड। हुंडी क्या होता है भाई? हुंडीज आर नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। मतलब ये है कि अगर किसी को तुमने पैसा दिया है, ठीक है, तो उसने एक स्लिप बना के दी तुम्हें, ठीक है, उस स्लिप को तुम ला करके यहाँ दिखाओगे कि तुमने $5 यहाँ जमा कराए, ठीक है, तो तुम दूसरे काउंटर पे गए, उस स्लिप को तुमने दिखाया कि हमें $5 यानी कि 70 बचे 350 रुपया चाहिए, तो उस स्लिप को ले जाकर दिखाओगे तुम्हें 350 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस हुंडी का यूज करते थे हमारे मनी चेंजर्स। समझ में आ गया? कोई परेशानी है? एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो, हुंडी इज अ नोट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। मान लो अगर कोई आदमी कहीं से आता है, ठीक है, उसने अपने 5 लाख रुपए या 5,000 रुपए तुम्हारे पास जमा करा दिए, ठीक है, और तुमने उसके बदले एक स्लिप ले लिया उससे, ठीक है, स्लिप लिया, फिर तुम दोबारा इस देश में वापस आई, ठीक है, इस देश में तुम्हें फिर वो पैसा यूज करना, तो वो स्लिप तुमने दिखाया कि सर मैंने यहाँ पे मैं 5 साल रहा और मैंने 5 लाख रुपए आपके पास जमा कराए थे, अब मुझे वो पैसे वापस चाहिए, तो वो जो स्लिप होता है या फिर वो जो रिटर्न नोट होता है उस चीज को जो दिखा के तुम पैसा वापस लोगी उसे वो कहते हैं हुंडी। ठीक, समझ में आया? यस सर। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? आ गया सबको? नोट्स मिल गया? नो सर। नोट्स मिल गया? नो सर। मिल गया? नो सर। यस, संडे को शाम को एकदम मिला ना? मिले क्या करना आपको, तुम लोगों की गलती है सर। अच्छा, ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल नहीं है आपको? अभी तो है ना, अभी मैंने जितना भी पिछला पढ़ाया है वो तो अवेलेबल रहेगा ना, सब भेज दिया मैंने, जिसको इसको भेजना था मैंने भेज दिया। So, in the far off markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium, ठीक है? तो इन हुंडीज का या फिर जो ये हुंडी सिस्टम चलता था उसका इराक में, बेल्जियम में और ये फिर हमारे कायरो में यानी कि इजिप्ट में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस किया जाता था। समझ में आया? ठीक है, पढ़ो आगे। However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. This was because of many factors, the loss of market and productive because of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese and competition from Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today, Surat is a bustling commercial center. ठीक है, सूरत की जो डेक्लिनेशन है वो 17वीं शताब्दी यानी कि 17 सेंचुरी की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गई थी। क्यों? सबसे पहला रीजन इसके पीछे का ये था कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। ठीक है, कोलैप्सिंग के बाद जितना भी ट्रेड था, ठीक है, वो सारा ट्रेड मुगल एम्परर्स अपने अंडर में रखा करते थे। जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो सारे डायरेक्टली मुगल सुल्तान या फिर जो मुगल एम्परर्स थे उनके अंडर में डायरेक्टली वर्क करते थे। ठीक है, तो उनके वर्क ना करने की वजह से, उनके ऊपर से जो उनका पावर था वो खत्म हो जाने की वजह से क्या हुआ कि धीरे 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 जो मार्केट में लॉस होना शुरू हो गया। जितने भी ट्रेडर्स थे उनके बिजनेस धीरे धीरे बंद होने पड़ गए। फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन की चीजें थी वो प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद होने लगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन और मार्केट में लॉस होने की वजह से, ठीक है, धीरे धीरे जो सूरत का एक कमर्शियल सेंटर के रूप में एक फिगर बना हुआ था वो धीरे 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 खत्म होने लगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो सी रूट था, ठीक है, वो पोर्टुगीज और जो कंपटी, हाँ
जो सी रूट था वो कंट्रोल हो गया पोर्टुगीजों के ऊपर, ठीक है, जितने भी सी के रास्ते थे या फिर दूसरे देशों में जाने आने के जो रास्ते थे उन पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। कब्जा करने के बाद क्या था कि हम बिना उनकी परमिशन के उस रास्ते से कहीं भी जा नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि रास्ता वही था और हम रास्ता चेंज करके जाएंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आएगा और उस खर्चे को हम लोग बियर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी की वजह से जब ये धीरे 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 कोलैप्स होने लगा, जब मार्केट बंद होने लगा, तो सूरत जो है वो अपना जो एक कमर्शियल टाउन का फिगर था या फिर जो इमेज क्रिएटेड थी लोगों के माइंड में वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और आज की डेट में एक अच्छा नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा बिजिएस्ट, ठीक है, एक बिजिएस्ट कमर्शियल टाउन आज की डेट में हमारा सूरत हो गया है। बसलिंग का मतलब बहुत भीड़ भाड़ केओस भरा हुआ, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां पे? नहीं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 में बंद कर दी गई जब भारत देश आजाद हुआ। एक और रीजन था कि कंपटीशन उनके ऊपर बढ़ने लगा। अब भाई देखो, एक दुकान रहती है तो उससे लोग सामान खरीदते हैं, लोगों की मजबूरी है कि उसी दुकान से सामान खरीदेंगे, ठीक है। बट जब उसके बगल में दूसरी दुकान खुल जाएगी और वो कम पैसे में अच्छा फैब्रिक देने लगेगी तो क्या होगा कि जो हमारा खुद का चीज है उसको हम लोग यूज करना बंद करके हम लोग बाहर की चीजों को ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे जगह से अपना सामान हम ज्यादा खरीदेंगे। तो यही काम किया हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अपने हेडक्वार्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एस्टैब्लिश कर लिया और कम पैसे में अच्छा सामान वो देने लगी, ठीक। और जब सामान देने लगी तो हम लोग अपने देश का सामान छोड़ करके हम लोग उसको अडॉप्ट करने लगे, फिर हमारे देश में नुकसान होना शुरू हो गया, फिर मार्केट बंद हो गया, काम खत्म। समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? कोई देखो, सबसे पहला रीजन था मुगल एम्पायर का कोलैप्स होना। मुगल एम्पायर का जब पावर इंडिया से खत्म होने लगा तो इसकी वजह से सूरत एक कमर्शियल टाउन से हटने लगा, ठीक है, वहां का बिजनेस बंद होना शुरू हो गया। दूसरी चीज ये कि जो सी रूट से यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केवल एकमात्र साधन था उस पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। पोर्टुगीज जो रूलर्स थे उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया और बिना उनके परमिशन के उस रास्ते से नहीं गुजर सकते, ठीक है। ये गुजर नहीं पाते थे तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद करना पड़ा हमें, ठीक है। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बंद होने के बाद से फिर क्या हुआ कि दूसरी एक और कंपनी आ गई। अब पहले हमारे देश में खुद की कंपनी आ गई, हम लोग अपने कपड़े बना के बेचते थे, लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उसने भी अपनी कंपनी कम पैसे में लॉन्च कर दिए तो हम लोग उसकी तरह ज्यादा आकर्षित हो गए, हम लोगों ने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? हाँ। मुगल एम्पायर से सूरत का ये कनेक्शन है कि उस टाइम पे जो सूरत का किंगडम था वो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था और सूरत को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन नहीं कह सकते, एक कमर्शियल टाउन या एक बिजनेस सेंटर बनाने में मुगल जो एम्पायर्स थे या सुल्तान थे उनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक। आया समझ में? बैठो। अब इसके बाद आता है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम। अब आता है तीसरा शहर हमारा, इसको हम लोग कहते हैं मसूलीपट्टनम। थोड़ा बंद कीजिए इसको। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम। ये टाउन मसूलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम लिटरली नियर द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। इन द 17th सेंचुरी इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। ठीक है, इंटेंस एक्टिविटी का मतलब ये है कि उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस में था, या फिर तुम लोग ये कह सकते हो कि मसूलीपट्टनम में बहुत ज्यादा काम होते थे उस टाइम पे। अब काम पूछोगे कैसा काम, तो काम बहुत सारा होता था, जैसे कि फिशिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया था। दूसरी चीज ये कि हमारा मसूलीपट्टनम सूरत से ही के जैसा ही एक अच्छा कमर्शियल सेंटर भी था, ठीक है। चलो, 17th सेंचुरी में ये कृष्णा रिवर के डेल्टा पे यानी कृष्णा रिवर के किनारों पे ये जो शहर है ये बसा हुआ है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा बताइए। सर, जो रिवर्स के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जैसे कि जो अलग अलग रिवर्स होते हैं एक जगह आके जब मिल जाते तो उसको डेल्टा कहते हैं। हाँ, एक ये हो सकता है। दूसरा बस सीधी सी बात यह है, जहाँ पे कई सारे नदियाँ मिलती है उसको हम डेल्टा कहते हैं, शुद्ध भाषा में, ठीक। समझ में आया? कोई परेशानी? चलो पढ़ो।
क्या प्रश्न? नदियाँ मिलेंगी तो वहाँ पे पानी मिलेगा ना, डेल्टा के लिए जमीन होगी। तो जमीन उसके किनारे नहीं होते हैं नदियों के, संगम तो किनारा नहीं है, डेल्टा नहीं हुआ, सब वो तो पानी के बीच में रहता है। तो उसके किनारे किनारे पानी नहीं है, है ना? मैं बस ये कह रहा हूँ कि जहाँ नदियां आकर के मिलती हैं उसको डेल्टा कहते हैं। अब पानी चाहिए कि इवेपोरेशन चाहिए वो हमें, वो उससे वैसे मतलब ही नहीं है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ नदियां मिलती हैं उसको कहते हैं डेल्टा। भाई जब मिलेगी ये सेडिमेंट छोड़ रही है, है ना, है कि नहीं है? चलो पढ़ो। इंग्लैंड से ही मतलब रिलेटेड थी, बट इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया के अंडर में काम करती थी, लेकिन जो डच ट्रेडर्स थे वो हमारे फ्रांस से आए हुए थे। ठीक है, रिलेटेड तो वो इंग्लैंड से ही थे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स उसमें ऐसे थे जो इंग्लैंड के लिए पहले काम कर चुके थे, बट बाद में उन्होंने हमारे मार्केट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको कंपटीशन में हरा दिया और वो यहाँ से चले गए। समझ में आया? तो इन दोनों में मिलकर के मसूलीपट्टनम पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश की थी, बट ये दोनों लोग नहीं कर पाए। ठीक है, जितने भी किले बनाए गए हैं मसूलीपट्टनम में, ये सारे सारे किले डच ने बनवाए थे। ठीक है, डच ट्रेडर्स कह लो या डच राजाओं का कह लो, ये सब लोगों ने मिलकर के ही मसूलीपट्टनम में अपने अपने किले, अपने अपने फोर्ट्स वगैरह वहां पे बनवाए थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, देखो क्या हुआ ना कि पहले इन लोगों का कंपटीशन भारतीयों से था, तो भारतीयों को तो आसानी से दबा लेंगे क्योंकि भारत के लोग खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। दूसरी चीज ये है कि जब एक ही मार्केट में दो अलग अलग कंट्री के कंपटीटर्स आ जाएंगे, तो जिस कंपनी के पास ज्यादा पैसे रहेंगे या फिर जिनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता रहेगा उसका ज्यादा वहां पे वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो डच का क्या था कि अभी उतना अपना मार्केट एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, लेकिन जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी क्या हुआ था कि उसका जो मार्केट था वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था, तो जब वो कॉम्पिटिशन में आए तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मार्केट बना लिया था, तो डचों को यहाँ से जाना पड़ा। समझ गए? चलो, नहीं पहले ये पढ़ दो, कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा। The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. ठीक है, तो जो कुतुब शाही रूलर्स थे यानी कि जो टर्किश रूलर इस एरिया के थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के टैक्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के नियम बना रखे थे किसी भी चीज के बिकने पे। ठीक है, जैसे मान लो टेक्सटाइल की का बिजनेस है या फिर स्पाइसेस मसालों का बिजनेस है, इन सब पे अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए गए थे ताकि टोटली हम इस मसूलीपट्टनम का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को ना दे सके। ठीक है, हर चीज बिकती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी ना, तो खरीदती थी लोकल लोकल बेकर्स से। ठीक है, जो लोग लोकली किसी चीज को बनाते थे या उगाते थे उनसे खरीद के उनपे अपनी ब्रांडिंग करके ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा पैसों में बेचती थी। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए जो कुतुब शाही रूलर्स या टर्किश रूलर्स थे उन लोगों ने टैक्स लगा दिया। ठीक है, कि अगर आपको ये खरीदना है तो आपको इतने पैसे ऐसा टैक्स देना पड़ेगा मुझे। ठीक, समझ में आया? चलो, क्या बोलो सर, अभी तो आप कह रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शादी सुधरा के साथ कम पैसे में चीजें बेचती थी, तब इंडिया के जो लोग हैं वो उसको खरीदते थे। हर चीज नहीं, कपड़े टेक्सटाइल्स कम पैसे। हाँ, कम पैसे में मतलब ये है कि जैसे मान लो खादी के कपड़े हैं, आज भी तुम खरीदने जाओ तो खादी के कपड़े या जो हमारी इंडियन सिल्क होता है उसके कपड़े बहुत महंगे आते हैं। आज भी तुम जाओ खरीदे तो खादी कपड़े महंगे मिलेंगे नॉर्मल कॉटन पॉलिस्टर से। ठीक है, तो उसने क्या किया ना कि अपना खुद का फैब्रिक लॉन्च कर दिया। भाई हमारे देश में पहले नायलॉन रेयन कहाँ था, पॉलिस्टर था ना हमारे देश में, तो पॉलिस्टर वो लेकर के आए, पॉलिस्टर को इंट्रोड्यूस किया, उसके फैब्रिक बना के उसके कपड़े बनाए। जब कपड़े बना लिए तो वो कम पैसा लगता था उसको बनाने में। ठीक है, तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ करके वो लोग खादी से कम पैसे में ले आ दिए। सर, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो बाकी आइटम्स थी कपड़ों को छोड़ के उनको जब वो लेती थी तो वो ज्यादा पैसे में उनको बेचती थी, इंडिया के लोग क्यों नहीं अपने खरीदते? नहीं खरीद पाते थे ना, हर जगह पे हर चीज होती नहीं है। ठीक है, और उतना कॉन्टेक्ट उनके पास नहीं था। भाई ये बताओ, तुम्हें पता है कि वी मार्केट में हर कुछ मिलता है वी बाजार में। ठीक है, तुम गई वी बाजार में, तुम्हें हर चीज दिख गई सामने, सब्जियों से लेकर के कपड़े तक।
ठीक है, तुमने खरीद लिया, ठीक है, इससे क्या है कि तुम्हें एक ही जगह पे सारा सामान भी मिल गया, और दूसरी चीज ये है कि तुम्हें ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि तुम सबसे नजदीक वाले ही दुकान पे जाओगे ना अपने, मान लो बंगाल में कोई चीज बिक रही है और तुम उत्तर प्रदेश में रहती हो और वहां सस्ती मिलती है, तो यहाँ से बंगाल जाने का खर्चा नहीं हो जाएगा उतना। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ब्रांडिंग करती थी, अलग अलग शॉप्स खुले हुए थे उसके, तो वहां पे बिक जाता था उतने पैसे में। मुझे ही है, तो बंगाल की फिश बहुत ज्यादा फेमस है, बंगाल में मछलियां बहुत सस्ती मिलती है, लोग कहते हैं 50 रुपए 30-60 रुपए में ऐसे मछलियां किलो मिल जाती है। हमारे यहाँ 300-400 रुपए किलो मिल जाती है मछलियां, जो वहां मछलियां उतनी बिकती है। हिल्सा मछलियां का नाम सुना है ना, हिल्सा, हाँ हिल्सा फिश, तो बंगाल में बहुत सस्ती मिलती है, यहाँ खरीदने जाओ 500 से नीचे नहीं मिलेगी। तो यहाँ से बंगाल जाएंगे हिल्सा खरीदने, पता चलेगा जितने की मछली नहीं है उतना पैसा लगा दे किराए पे। चलो First competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Kumaris, Chittis and European traders made the city populous and prosperous. ठीक है, तो जितने भी गोलकोंडा के नोबल्स थे, यानी गोलकोंडा जो हमारी हमारा किंगडम था उसकी जो मंत्री थे, उसके साथ साथ पर्शियन मर्चेंट, ठीक है, पर्शिया के जो ट्रेडर्स थे, तेलुगु कुमाटी चेतीस, यानी कि जो ये इंडिया के चेतियार्स होते थे, ठीक है, उसमें जितने भी तेलुगु वाले थे उन सबों ने भी इसको बहुत फेमस किया। इसके साथ साथ यूरोपियन ट्रेडर्स जब यहाँ पे आते थे अपना सामान लेकर के, इसकी वजह से मसूलीपट्टनम बहुत अच्छे से ग्रो कर गया था। समझ में आ रहा है? चलो पढ़ो। As Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other. ठीक है? In 1686 to 1687, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. ठीक है? तो अकबर जिस टाइम पे रूलर था, जब मुगल यहाँ पे आए थे, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने इसको मीर जुमला को यहाँ का गवर्नर बनाया था, ठीक है? और गवर्नर क्या होता है तुम लोगों को पता ही होगा, क्या करता था? वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और डच ट्रेडर्स थे, ठीक है, इन दोनों लोगों के साथ मिल करके वो गेम खेलने लगा। मतलब ये कि इंडिया की चीजों को कम करके और उसने डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और इसकी वजह से ही, और जो टैक्स वगैरह लगाए गए थे ना लोकल चीजों पे, उन टैक्सेस को कम कर दिया। तो इससे क्या होता था कि इसका पर्सनल फायदा तो होता था, बट जो लोकल वहां के जो लोग उगाने वाले थे या फिर लोकल फार्मर्स थे उनका नुकसान होने लगा, और इसकी वजह से ही मसूलीपट्टनम फिर धीरे 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 कोलैप्स होने लगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? चलो। This caused the European companies to look for the alternatives. It was the part of new policy of English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of the hinterland. What is hinterland? बताइए। जो garrison town के बाहर जो हिस्से बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं hinterland, ठीक है? तो hinterland जो इस areas के थे, तो जो East India Company थी वो ये चाहती थी कि उस hinterland से जो दूसरे दूसरे ट्रेडर्स हैं या फिर जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनका कोई कनेक्शन उस पोर्ट से नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जब उनके पोर्ट से कनेक्शन नहीं होगा तो वो अपने सामान को डायरेक्टली बाहर इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उनको मजबूर होकर के अपने सामान को हमें बेचना पड़ेगा, और जब वो सामान को बेचेंगे तो हम उसकी ब्रांडिंग करेंगे और ज्यादा पैसे बढ़ा करके फिर उसको हम अपने हिसाब से बेचेंगे। समझ में आया? अरे आज भी जो एवरेस्ट मसाले आता है तो क्या एवरेस्ट मसाले के उन्होंने खुद जाके उगाया है उसको? वो भी तो लोकल किसी लोकल फार्मर से खरीदता होगा फिर वो अपने मसाले बनाते हैं पीस करके, तब ना बनता है। जो एक्चुअल स्पाइसेस होते हैं वो एवरेस्ट का रूरल ओनर खुद जाके थोड़ी बनाता है। एमडीएच मसाले जो आते हैं तो एमडीएच मिर्ची धनिया हल्दी वो खुद जाके उगाते थे अंकल जी, किसी फार्मर से ही तो खरीदते हैं भाई। तो ब्रांडिंग किया तो वो असलियत में खरीदने में 10 रुपए का था, ब्रांडिंग करके उसको डब्बे में पैक करके दे दिया तो 50 रुपए का हो गया, 40 रुपए का फायदा हुआ है डब्बे पे, ठीक है। तो बेसिकली अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ईआईसी जो हमारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने ब्रांडिंग शुरू कर दी लोकल सामानों की। समझ में आ गया? कोई परेशानी है? नो सर। चलो। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वाज फेल्ट
should combine political, administrative and commercial roles as the company traders moved to Bombay, Calcutta and Madras. Present day Chennai, Masulipatnam lost both its merchant and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than dilapidated little town. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि धीरे धीरे जो वहां से मर्चेंट्स थे वो दूसरे दूसरे जगहों पे मूव करने लगे और मर्चेंट के साथ साथ अपने मार्केट को मसूलीपट्टनम ने खो दिया और उसके बाद से वो एक छोटा मोटा शहर बन के रह गया। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया ये तीनों? कोई है ऐसा महानुभाव मार्केट इसके पास? तो आज का जो हमारा होमवर्क है, फाइंड आउट, यस अच्छा यहां मैं फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मार्केट्स ऑफ मसूलीपट्टनम सूरत एंड हम्पी। ठीक है, इन तीनों जगह के मार्केट में क्या डिफरेंस था ये आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। क्या हो गया, मिट गया? लिख लेना सर, यहाँ पे बस इतना समझ लो कि ये लिखा है कि मसूलीपट्टनम, हम्पी और सूरत, इन तीनों मार्केट्स में क्या डिफरेंस था ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। बड़ी हंसी आ रही है भाई, हमें बताओ, हम भी हंसते थोड़ा सा।